फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, अपने अपनी जिंदगी हुए, परिवार हुए, तंदुरुस्त रहे और मुस्कुराते रहे। अभी 12 बज रहा है, मैंने नहा के आई हूँ, हेयर्स को मैंने धो दिया था और फिर अभी मैं किचन में जाऊंगी लंच बनाने के लिए। और नहा के ही मैंने दिया वगैरह जला दिया है भगवान के आगे। अभी देर भी हो रहा है, अभी चलते हैं किचन में, मैं क्या बनाती हूँ आप लोग को भी दिखाती हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, आज लकड़ी का सब्जी बनाऊंगी मैं। और चावल को मैंने चला दिया था, चावल हो गया है और दाल बनाऊंगी और मछली फ्राई कर लूंगी। अभी तो 12:30 हो गया है, देर हो गया है और मैं सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। आप लोग से भी थोड़ा मैंने तो वेलकम कर ही दिया आप लोग को और ब्लॉग को भी शुरू कर दिया है। और लकड़ी का सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है, हर तरफ से बनाना, मतलब बहुत तरफ से बनाना आता है सभी को। मैं ऐसे सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और इसी टाइम में फेब्रुअरी मास के टाइम में लकड़ी का सब्जी खाना चाहिए था, बहुत सूखा हो जाता है वेदर। और लकड़ी का सब्जी खाना चाहिए, किस किस को खा के अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बोलिएगा। मैं आज सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी। अभी मैं बनाने के बाद ही आप लोग से बात करूंगी, अभी देर भी हो गया है, जल्दी जल्दी अभी मैं खाना बना लेती हूँ और बाद में मिलती हूँ आप लोग से। लंच रेडी हो गया है, दाल बनाया और लौकी का ड्राई फ्राई सब्जी, मछली, अनियन लेके फ्राई कर लिया है और सिंपल सा लंच है आज। अभी मैं लंच को परोसूंगी और हम लोग अभी तो 1:30 हुआ है और अभी हम लंच करूंगी। और मैं अभी तक हेयर्स को नहीं कंघी किया है, इसके बाद कंघी वगैरह करूंगी। अभी लंच करके आई हूँ, लंच में क्या बनाया मैंने दिखाया ही है और वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि तभी मशीन चल रहा था। और अभी मैं कंघी कर लूँगी, कंघी मैंने नहीं किया और क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं कंघी को बांध के ही रख दिया था और गिर जाएगा बाल वगैरह, हेयर्स वगैरह, और इसीलिए मैंने अभी कंघी कर लेती हूँ। कंघी करने के बाद नेल पॉलिश लगा लूँगी और बटन को भी धो, मैंने बटन को धो दिया है, खाना खा के ही धो दिया है, बाद में धोने में लालची लगता है। और फिर अभी मैं ऐसा कंघी करने के बाद नेल पॉलिश लगाऊंगी और नेल पॉलिश लगाने के बाद थोड़ा ऐसे ही ऊपर से थोड़ा बाद में कपड़ा लेके आऊंगी। आज धूप बहुत तेज निकला हुआ है और उसके बाद ताऊजी का घर में जाऊंगी आज। और अभी मैं कंघी कर लेती हूँ और नेल पॉलिश जब लगाऊंगी तब आप लोग को साथ बात करूंगी। और देखिए, और ये हमारा जो रोज अभी खिला है कितना अच्छी तरह से खिला है, मैं सोचा क्यों ना ये भी दिखा दूँ। अभी मैं नेल पॉलिश को लगा लूंगी। नेल पॉलिश लगाने के बाद अभी तो 3 बज रहा है और फिर ऊपर से कपड़ा लेके आऊंगी और कपड़ा लेने के बाद मेरा काम नहीं है। और ये नेल पॉलिश नीचे में जो नेल पॉलिश है यही है, इसलिए मैंने उसको रिमूवर दे के हटा के नहीं लिया है और थोड़ा और लगा लिया है ऊपर से। और फिर इसके बाद जब लगाऊंगा दूसरा नेल पॉलिश लगाऊंगा तभी इसको रिमूवर दे के हटा के लगाऊंगी। और अभी मैं नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने बोला ही कपड़ों की थोड़ा देर बाद लेके आऊंगी। लेके आने के बाद मैं जाऊंगी ताऊजी का घर में, 4:30 या 5 बजे ताऊजी का घर में जाऊंगी। आज वो ऐसे ही बहुत दिन हो गया है गया नहीं, हमारा घर की पास ही है और सोचा ताऊजी का घर से ही घर में ही जाऊंगी। और फिर मैं अभी नेल पॉलिश लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए, लगा लिया है नेल पॉलिश और काला कैसा है, लाइट कलर है। और ये है नेल पॉलिश लगा लिया है, अभी पैरों में भी लगा लूंगी, लगाने के बाद कपड़ा लेके आऊंगी, ठीक बाद में मिलती हूँ आप लोग से। और देखिए, मैंने अमरूद भी तोड़ लिया है और अभी कपड़ा लेके जाऊंगी। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रही है, आवाज़ भी आ सकता है, आ रही है और प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने मुँह फेस को साफ कर लिया है, मुँह हाथ भी धो लिया, अभी कपड़ा चेंज करके जाऊँगी ताऊजी का घर में। और पहले अभी कपड़ा को ले लेती हूँ मैं। हर दिन ही इतना कपड़ा निकलता है, क्या बोलूँ, बहुत सारा कपड़ा निकलता है हर दिन। मैं इसी तरह इतना सारा ही कपड़ा धोती हूँ, एक भी कम नहीं होता है।
और गर्मी में भी और ज़्यादा होगा क्योंकि पसीना भी आएगा, कपड़ा भी ज़्यादा निकलेगा। अभी मैं कपड़ा को ले लेती हूँ। और शाम भी हो गया है, अभी पाँच बज के गया है और अभी 6 बजे ही जाऊँगी टर्ज का घर में। और अभी कपड़ा है लेके अभी फोल करके रख दूँगी और रखने के बाद ही जाऊँगी। और रास्ता के पास ही हमारा घर है और इस बाइक गाड़ी का आवाज़ आता है और क्या क्या आवाज़ आता है, और डोगी का भी भूखने का भी आवाज़ आता है। डोगी हर घर में डोगी है, वो डोगी सो रही है, देखिए वो डोगी सो रही है। आजकल वो परेशान नहीं करता है, सोता रहता है। बीच में वो बीमार हुआ था इसीलिए इतना मतलब चिल्लाती थी, आजकल नहीं चिल्लाती है, सोता रहता है। और ठीक है, अभी कपड़ा तो लेके नहीं जाती हूँ अंदर। चलती हूँ, ताऊजी का घर में 6 बज गया है। मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया है, कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दिया है। अभी बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा ही हो गया है, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी इवनिंग का टाइम, अच्छी तरह से बीतेगा। ताऊजी का घर में अच्छा लगता है, अपना रिश्तेदार के घर में जाके बातें करके सभी को तो अच्छा लगता है। और चलते हैं हम, और आगे ही मैं बात करूँगी आप लोग से। देर हो जाएगा, पता नहीं, जाने से आने ही नहीं देता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आके अभी खाना भी बनाना है और फिर चलते हैं। और ताऊजी का घर में मैं कोई शूट नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लगता है। और मैं घूमने जाती हूँ और कैमरा लेके बैठ गई मैं, और इसलिए मैं अभी जाती हूँ ताऊजी का घर में, आके आप लोग से बात करूँगी। अभी मैं दाल, मसूर का दाल बनाऊंगी, इसको फ्राई करके ही बनाऊंगी, पेसान में लेके नहीं बनाऊंगी। और फिर ताऊजी का घर से आ गई हूँ, अभी 9:30 हो गया है, किचन में आ गई हूँ और बनाऊंगी फिश करी, लाओ मतलब क्या बोल, लकीर और आलू लेके मैं बनाऊंगी फिश करी और दाल बनाऊंगी और साग बनाऊंगी। और मैंने इस पेसान में चावल को दे दिया है, अभी दाल को मैं फ्राई करके बनाऊंगी। दाल को मैं थोड़ा टाइम भिगा कर रखी हूँ, मसूर का दाल है ये, देखिए मसूर का दाल को मैं थोड़ा टाइम के लिए भिगा कर रखा था। इसी तरह बनाने से भी अच्छा लगता है। बॉइल नहीं करूंगी, और इस कढ़ाई में अभी मैं सूखा लगा दूंगी। और इसके बाद दाल बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है ऐसे बनाने से भी, और इसी तरह बनाने से भी सभी को अच्छा लगता है। अभी मैं इसी तरह ही बनाऊंगी और आज का ब्लॉग भी मैं एंड कर दूंगी। अभी पासपोर्ट दे दिया और सूखा मिर्च भी दे दिया है मैंने, इसमें ऑनियन डाल दूंगी। और दाल को भी डाल दूंगी। हल्दी पाउडर डाल दूंगी मैं, नमक डाल दूंगी, मिलाते रहूंगी इसी का 2-3 मिनट के लिए मिलाते रहूंगी मैं। 2-3 मिनट इसी तरह मैं मिलाते रही। और देखिए ऐसी, अभी इसमें पानी डाल दूंगी, अभी ढक्कन को लगा दूंगी और ये थोड़ा टाइम बाद ये उबल आ जाएगी और 15-20 मिनट के बाद ये पक जाएगी। और फिर इसी तरह भी बना के खाइएगा मतलब किसी एक दिन, अच्छा लगता है। और बॉईल कर बेसन में नहीं डाल के भी इसी तरह बनाइएगा, कभी इसी तरह भी मसूर दाल बनाकर खाइएगा। और अभी मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, अभी के पकने के बाद डाल रख देना से हो ही जाएगा। और थोड़ा घी भी मिला के खा सकती है आप लोग, और मैं जो मसूर दाल पक जाएगा तभी मैं घी भी मिला दूंगी। और आज का ब्लॉग भी यही एंड कर देंगी। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। और जो भी मेरा चैनल को पहली बार देखा है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं फिर से बोलती हूँ, बेल आइकन प्रेस कर देने से जो भी मैं ब्लॉग डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और फिर मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं डिनर को बना लूँ।
और देखिए कितना स्वादिष्ट दाल बन के रेडी हो गया है। और इसमें अभी घी बना मिलाना बाकी है, आप लोग को बनाने बना के खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा दाल कैसे बना।